मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस जगह राहुल गांधी के पांव पड़ते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त किया, अब वे दक्षिण भारत में कांग्रेस का सफाया करवाएंगे। राहुल गांधी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर दिए बयान पर भाजपा राहुल गांधी को लगातार निशाना बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के तहां तहां कांग्रेस का बंटाधार। पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त करा दिया, अब भैया दक्षिण की ओर चले हैं। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। ये राहुल नहीं, उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। जनता ऐसे कुप्रयास को सफल नहीं होने देगी। जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटाधार, कांग्रेस का बंटाधार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वो ही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।